आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप अपने मोबाइल में पेटीएम एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं और आप पेटीएम एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि पेटीएम एप्लीकेशन को कैसे चलाया जाता है, तो इस वीडियो को आप बस ध्यान से देखते रहिए और आपको सारी जानकारी के साथ पता चल जाएगा कि पेटीएम एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप इसे अपने आधार कार्ड से भी चालू कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। अगर आपने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो उसे आपको डिलीट कर देना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे अनइंस्टॉल पर क्लिक करके इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो आपको पेटीएम एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पर यह लिंक दिखाई देगा और इस लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप इस लिंक से डाउनलोड करेंगे पेटीएम एप्लीकेशन तो आपको यहाँ पर 50 रुपए का कैश बैक भी मिलेगा जब आप यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी कि रिचार्ज करेंगे या बिजली का बिल जमा करेंगे या मनी ट्रांसफर करेंगे। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका पेटीएम ओपन हो जाएगा प्ले स्टोर पर और यहाँ पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर आपसे क्या जरूरत पड़ेगी इसे चालू करने के लिए, तो सबसे पहला आपका मोबाइल नंबर जो आपके बैंक में लिंक होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए। अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो आपके पास होना चाहिए क्योंकि उस पर एक ओटीपी आएगा। बस इतना आपको जरूरत पड़ेगा पेटीएम को चालू करने के लिए। हम यहाँ से पेटीएम को ओपन करते हैं। जैसे हम इसे ओपन करेंगे इस तरीके से आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अलाउ करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पड़ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आपका एक नया अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका पेटीएम तो चालू हो गया है लेकिन अभी यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना है। बैंक अकाउंट को ऐड कैसे किया जाता है और फिर आपको बताएंगे रिचार्ज कैसे किया जाता है, मनी ट्रांसफर कैसे किया जाता है, बिजली का बिल जमा कैसे किया जाता है। तो बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए यहाँ पर मिलेगा बैलेंस और आपको बैलेंस पर क्लिक करना है। बैलेंस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यूपीआई सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। यूपीआई सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा ऐड ए बैंक अकाउंट और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो भी बैंक अकाउंट हो आपको अपना बैंक अकाउंट चूज कर लेना है। जैसे हमारा जो बैंक अकाउंट है वो है हमारा SBI, हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारा जो बैंक अकाउंट होगा यहाँ पर फाइंड होकर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर दिखाई देगा हमारा दो अकाउंट आ गया है, तो हमारा जो ये मोबाइल नंबर है ये हमारे अकाउंट में लगा है और हमारे ब्रदर के अकाउंट में लगा है, तो यहाँ पर दोनों अकाउंट हमारे सामने निकल कर आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको बस प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर अकाउंट ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको अपने बैंक अकाउंट का UPI पिन बनाना होगा, नहीं तो आप अभी पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। पैसा आप रिसीव कर सकते हैं लेकिन अभी आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, कहीं पर भी भेज नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने बैंक पर क्लिक कर देना है। बैंक पर क्लिक करते ही आपके सामने बैंक की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट UPI पिन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको चेंज का मिल रहा है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको दो विकल्प मिल जाते हैं। सबसे पहला मिलता है आपको डेबिट कार्ड का, दूसरा मिल जाता है आपको आधार कार्ड का। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप यहां पर अपना फर्स्ट वाला विकल्प चूज करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। और यहां पर आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी होगी, यानी कि अपने एटीएम कार्ड के सबसे पहले के 6 अंक, यानी कि सबसे लास्ट के 6 अंक आपको एंटर करना है। यहाँ पर लिखा है लास्ट, तो लास्ट के। उसके बाद यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड के एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है, प्रोसीड कर देना है और आपको अपना UPI पिन बना लेना है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको अपना आधार कार्ड चूज करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज आएगा, लेकिन याद रहे कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको यहां पर अनलिंक का मैसेज दिखाई देगा। अब यहां पर बोला जाता है फर्स्ट 6 डिजिट, वहां पर बोला जाता है एटीएम कार्ड में कि लास्ट के 6 डिजिट यानी कि आखिरी वाले, लेकिन आधार में बोला जाता है पहले के 6 अंक आपको एंटर करने हैं। तो हम यहाँ पर पहले के अपने 6 अंक एंटर कर देते हैं, जो भी हमारे पहले के 6 अंक हैं।
उसके बाद प्रोसीड करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करेंगे थोड़ा सा वेट करना होगा, हमारा आधार यहाँ पर वेरीफाई होगा, आधार में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पर इंटर करना है। जैसे हम यहाँ पर आधार का ओटीपी इंटर कर देंगे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर ओटीपी आ गया है, उसके बाद राइट करेंगे। राइट करने के बाद हमारे बैंक की तरफ से एक ओटीपी आया है, वो भी हमें इंटर करना है। तो बैंक की तरफ से जो ओटीपी आया है वो यहाँ पर ये है SBI UPI का 03 17 और 38, तो हम यहाँ पर डालेंगे 03 17 और 38 और उसके बाद आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर दिखाई देगा सेट 6 डिजिट UPI पिन। किसी किसी बैंक में 4 डिजिट यानी कि 4 अंकों का बनाया जाता है और किसी किसी बैंक में 6 अंकों का पिन बनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर अपना पिन इस तरीके से बना लेना है, जो भी आप बनाना चाहते हैं राइट कर देंगे। जो अभी आपने बनाया था वही आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है और यहाँ से राइट कर देना है और आपका UPI पिन एक नया सेट हो जाएगा। तो हम इसे कट कर देते हैं और हम अपना एक नया दूसरा बना लेते हैं ताकि किसी को पता ना चले। UPI पिन आप सेट कर लेंगे, उसके बाद अगर आप पैसे चेक करना चाहते हैं तो पैसे चेक करने के लिए अपनी बैंक पर आपको क्लिक करना होता है, उसके बाद चेक का ऑप्शन मिलेगा, चेक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपने UPI पिन यहां पर बनाया हुआ था वो आप यहां पर डालेंगे और राइट कर देंगे, उसके बाद आपका जो बैलेंस होगा वो आपको यहां पर दिख जाएगा। अब यहां पर लिख कर आ रहा है अनेबल टू चेक बैलेंस, तो हम फिर से यहां पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है कि कितना बैलेंस है। अगर आपका अनेबल टू चेक ट्राई अगेन का विकल्प आता है तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कभी कभी सर्वर डाउन प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो अब यहाँ से आपका बैंक अकाउंट ऐड हो गया, आपका UPI बन गया, आपका बैलेंस भी चेक हो गया है। तो अब बात करते हैं कि मोबाइल का रिचार्ज कैसे करना है। तो मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर मिल जाता है मोबाइल रिचार्ज और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने पेज आएगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है जिस मोबाइल नंबर पर आप रिचार्ज करना चाहते हैं। तो चलो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। आपका जो नंबर है वो आपका किस सिम कार्ड का है, जैसे जियो, एयरटेल या वोडाफोन, तो आपका यहाँ पर दिखाई दे जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद जिस प्लान को लेना चाहते हैं, जिस प्लान को चूज करना चाहते हैं, आपको अपना प्लान चूज कर लेना है। चूज करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्लान दिखाई देगा और ये कितने दिन का है, इसमें क्या क्या मिलेगा, सब कुछ दिखाई देगा। और उसके बाद मिलेगा प्रोसीड टू पे और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वही पेज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा बैलेंस देने का। तो यहाँ पर आपको अपना SBI बैंक चूज कर लेना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इसका फीस भी देना पड़ेगा जो इसमें फीस लगता है। अगर आप इसे जीरो करना चाहते हैं तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है कि पेटीएम से रिचार्ज करने पर उसका प्लेटफॉर्म जो फीस है उसे जीरो कैसे करें, इसे आप कैसे बचा सकते हैं, तो उस वीडियो को देख सकते हैं या हमें कमेंट करके बताइए तो उस वीडियो को हम आपको दे देंगे उसका लिंक। उसके बाद प्रोसीड पर पे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको पैसे पे करना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हमारा पैसे यहाँ पर 108 कट रहे हैं, तो इसका मतलब एक ये है कि हमारे वैलेट में पैसे हैं, तो हम वैलेट को यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, हम यहाँ से चूज करेंगे, अब यहाँ पर दिखाई देगा कि हमें इतना पैसा देना होगा। पे पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर पूरा बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो पहले हमारे वैलेट यूज हो रहा था, तो अब यहाँ से अपना UPI पिन डाल दीजिए, आपका बैलेंस कट जाएगा और आपका 4 से 5 मिनट का समय लगेगा और आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। आप रिचार्ज कर सकते हैं किसी भी मोबाइल नंबर पर। अब बात करेंगे आप पैसे अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो सबसे एक पहला विकल्प मिल जाता है आपको QR कोड स्कैन करने का। अगर आपके गैलरी में कोई भी QR कोड है या सामने कोई QR कोड रखा है तो आप इस पर क्लिक करिए, यहां से अपने कैमरे की परमिशन को अलाउ कर दीजिए और आपका यहां पर कैमरा ओपन हो जाएगा। सामने से किसी भी QR कोड को स्कैन कर लीजिए। अगर आपके गैलरी में है तो आप यहां से अपनी गैलरी को चूज कर लीजिए, उसके बाद अलाउ करिए और जैसे आप अलाउ करेंगे जहां पर भी आपका QR कोड है आपको QR कोड ले लेना है। यहां पर QR कोड स्कैन हो जाएगा, अब यहां पर आपको इसे ओके कर देना है। यहां पर उसका नाम आ जाएगा जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद कितने रुपए देना चाहते हैं यहां पर उसका आप रुपए एंटर करेंगे। मैसेज में आप डाल देंगे कि आप पैसा कौन सा देना चाहते हैं, जैसे आप ये पैसे दे रहे हैं तो उसे याद रखने पर क्लिक करके अपना पैसा आप दे देना। तो यहां से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगर आप किसी के बैंक में भेजना चाहते हैं या UPI में, तो आपको यहां पर मिल जाएगा टू बैंक और आप इस पर क्लिक करेंगे। बैंक में भेजने के लिए इंटर बैंक डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होता है। किसी के यहाँ पर UPI ID या नंबर पर भेजना है तो यहाँ पर मिल जाता है UPI ID और आप इस पर क्लिक करेंगे।
इसका UPI ID आप यहां पर एंटर करेंगे, राइट कर देंगे और फिर आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर आप किसी के बैंक में भेजना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको उसका अकाउंट नंबर एंटर करना होता है, जो भी उसका अकाउंट नंबर हो इस तरीके से उसका अकाउंट नंबर एंटर करिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसका कौन सा बैंक है बैंक को चूज कर लेना है, उसके बाद उसके बैंक का IFSC कोड आप यहां पर डाल दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस पर क्लिक करके उसके IFSC कोड को भी निकाल सकते हैं ऑनलाइन, इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद प्रोसीड कर देना और अपना UPI पिन डाल देना और जो पैसा देना हो पैसा डाल देना और आपका पैसा उसके बैंक में चला जाएगा। तो ये हो जाता है पैसे ट्रांसफर करने का प्रोसेस। अगर आप बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी और आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने पॉपुलर इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाई देंगे, तो यहां पर आपको ऐड ए न्यू बिल पर क्लिक करना है। अगर आपने कभी भी अपना बिल जमा किया होगा तो आपको यहीं पर दिखाई देने लगेगा जो आपका बिल होगा। जैसे यहां पर हमारा ये वाला बिल है तो इसमें हमारा दिखाई दे रहा है पेंडिंग में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारा बिल यहीं से निकल आएगा और हमें सिर्फ अपना यहां पर अकाउंट नंबर एंटर करना होता है और अपना बिल डालेंगे, अपना UPI पिन डालेंगे और हमारा जमा हो जाएगा। और इसमें लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाता है सक्सेसफुल बिल जमा होने में। नहीं तो आपको ऐड ए न्यू पर क्लिक करना है। आपका बिल कहां पर जमा होता है अपना आप चूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला है तो इसे हम चूज करेंगे। यहां पर अपना कंज्यूमर नंबर डाल देना है यानी कि अकाउंट नंबर। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपका बिल दिखाई दे जाएगा और आप बिल को एंटर करेंगे और उसके बाद अपना UPI पिन डालेंगे और आपका बिल जमा हो जाएगा। कैसे आप आसानी से आप अपने मोबाइल में पेटीएम एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अगर आपका और भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आशा करूंगा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेटीएम एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो याद रखना। अगर आपका और भी प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम का ID है, आप ध्यान से देख लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।